आंसू कर कर्ताओं पर हुए केस वापस लेने की मांग को लेकर धरने पर बैठे पूर्व विधायक सिपुजन मेहता। हाजिरों में शेख मुजाहिद हुसैन आबादी आरबीसी चैनल के माध्यम से। विधानसभा बजट सत्र सदन के बाहर आंसू के पूर्व विधायक कुशवाहा सिपुजन मेहता गुज़िश्ता दिन धरने पर बैठ गए। वादे कर दूं कि विधानसभा घेराव में भाग लेने रांची आने वाले कार्यकर्ताओं पर केस को वापस लेने सहित अन्य मांग करते दिखे। पूर्व विधायक कुशवाहा सिपुजन मेहता ने कहा कि हेमंत सरकार आंदोलन की आवाज़ को लाठी के दम पर दबाने की कोशिश कर रही है, लेकिन यह आवाज़ अब दबने वाली नहीं है। सरकार पिछड़ी जातियों को आबादी के अनुसार आरक्षण दे, बेरोजगारों को रोजगार दे, स्थानीय एवं नियोजन नीति लागू करे। झारखंड के सभी जगह के कार्यकर्ताओं पर 107 का मुकदमा दर्ज किया गया है, इसे अविलंब वापस लिया जाए, नहीं तो बड़ा आंदोलन आंसू करेगी। बताता चलूं कि बीते 7 मार्च को आंसू स्थानीय नीति सहित अन्य मुद्दों को लेकर विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा गया था, लेकिन प्रदर्शनकारियों को विधानसभा पहुंचने से पहले ही रोक लिया गया था। समर्थन कर रहे हैं इसलिए कि झारखंडी अस्मिता का सवाल और जो झारखंड की मूल भाषा है वो सरकार उस भाषा को और झारखंड में लागू करना चाहिए, लेकिन अब भाषा को झारखंड में लागू करें जैसे बोकारो में देखें वहाँ पर भोजपुरी मगही, क्योंकि ये बहुत बड़ा साजिश है कि धनबाद में बोकारो में या तमाम वैसे जिलों में जहाँ पर भोजपुरी मगही नहीं बोला जाता वहाँ का मूल भाषा मुंडारी है, झारखंडी है या वो झारखंड से जो भाषा है इसको लागू कर